ये पलकी आती है, दादाजी को हेलमेट पहनाती है, पलकी बाबूजी इसे चुपचाप पहन लीजिए नहीं तो अगला नंबर आप ही का है। सब लोग गुस्सा होते हैं। पलकी बोलती है इसका मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, बाकी लोग कहते हैं। दादाजी पूछते हैं इसका मतलब आज फिर हरीश कोई केस लड़ने गया है क्या? सब लोग शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर महेश बोलता है डैडी कह रहे हैं पता नहीं, वो बगल में मम्मी खड़ी होती है आपके उनके पैर पे टेबल फैन गिर जाता है, फिर वो आपको गुस्सा होती है। लव मास्टर झूठा कहीं का, तेरी वजह से मैं अभी लग रहा ताकि बन जाती। फिर वो महेश बोलता है सॉरी सॉरी, डैडी का मतलब है कि हरीश कोर्ट गया है लेकिन केस लड़ेगा कि नहीं वो नहीं पता। फिर वो दादाजी बोलते हैं डॉक्टर बुलाओ, फिर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आता है तो वो सब लोग उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो डॉक्टर बोलता है क्या अनोखी बात है, हरीश चंद्रा के वंशज हो आप, आप में से कोई अगर झूठ बोलता है तो पूरे परिवार में से कोई ना कोई ऊपर भगवान के पास चला जाता है, क्या मजाक है, मैं नहीं मानता इस बात को। फिर आप बचा के बताते हैं। फिर मैं बोलता है डॉक्टर अतुल डैडी कह रहे हैं आप सफेद दूध पियेंगे, डॉक्टर बोलता है जी दूध मुझे नहीं पैसे। फिर महेश बोलता है ओ सॉरी सॉरी, डैडी कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारी बातें सफेद दूध और आपके इस सफेद कोट की तरह एकदम सफेद सच है। डॉक्टर बोलता अच्छा ये पहले से ही इनकी आवाज नहीं है, ये बचपन से ही गूंगे। फिर वो महेश बोलता है जी ये गूंगे नहीं है थोड़े डरपोक है। तो डॉक्टर बोलता है डरपोक है मतलब ये क्या होती बात है? महेश बोलता है जी ये कुछ भी बोलने से डरते हैं, क्या पता गलती से झूठ निकल जाए, इसलिए ये टन 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 तारा से ही बात करते हैं।